एक बार इस नुस्खे को लगा लो, आपके सफेद बाल हमेशा हमेशा के लिए जड़ से काले और घने दिखाई देने लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है और गंभीर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने सफेद बालों को जड़ से काला बना सकते हैं, साथ के साथ दोस्तों आप अपने हेयर फॉल को भी रोक सकते हैं और दोस्तों आप अपने बालों को घना व मोटा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बाजू की नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की डेट में सफेद बालों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। इसका मेन कारण दोस्तों यह होता है, ज्यादा स्ट्रेस लेना और दोस्तों सिगरेट या धूम्रपान करने के कारण भी हमारे सफेद बाल होने लगते हैं। और दोस्तों ये प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चों को भी होने लगी है जिनकी उम्र दोस्तों ज्यादा होती नहीं है और दोस्तों उम्र से ही पहले उनके सफेद बाल होने लगते हैं और दोस्तों जिसकी वजह से वो चिंतित होने लगते हैं और महंगे महंगे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हेयर डाई करवाते हैं जो कि दोस्तों उन्हें दावा देते हैं उनके सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे। परंतु दोस्तों ऐसा होता नहीं है, उनके बाल कुछ समय तक के लिए काले रहते हैं पर दोस्तों उनके सफेद बाल फिर से होने लगते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता होने की जरूरत नहीं है, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव और असरदार रहेगी। दोस्तों इस नुस्खे को लगाते के साथ ही आपको लगने लगेगा आपके सफेद बाल जड़ से काले होने लगे हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को कैसे बनाना है। दोस्तों नुस्खे को बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये नुस्खा कोई भी उम्र का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है दोस्तों ये आंवला का पाउडर। आंवला के पाउडर में दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि दोस्तों आपके सफेद बालों को जड़ से काला करता है और दोस्तों आपके बालों की ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। तो दोस्तों आपको कुछ इतनी सी मात्रा में ले लेना है हमारा ये आंवला का पाउडर। देखिए दोस्तों कुछ इतनी सी मात्रा में आपको ले लेना है। अब दोस्तों आपको इसके अंदर सेकंड इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करना है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा अहम है, जिससे कि आपके बाल काले होंगे और दोस्तों आपके बाल मजबूत और घने व मोटे होंगे, वो है दोस्तों हमारा ये बादाम का तेल। बादाम के तेल में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जो कि दोस्तों आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित रहता है। तो दोस्तों आपको कुछ इतना सा ये ले लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इतना सा आपको ये ले लेना है। तो दोस्तों अब आपको इसके अंदर लास्ट और आखिरी इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल करना है वह है दोस्तों हमारा ये शैम्पू। शैम्पू दोस्तों आप वो यूज कर सकते हैं जो दोस्तों आपके बालों के लिए एकदम फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों मैं इस्तेमाल करता हूँ ये, तो दोस्तों इसलिए मैं ये शैम्पू यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले तो आपको इसे कट कर लेना है, फिर दोस्तों आपको इसे पूरा इसके अंदर ऐड कर लेना है शैम्पू। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अब आपको इसके अंदर सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेना है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, पहले तो आपको अपनी न्यूट्रिशन मतलब कि दोस्तों आपको अपनी डाइट भी लेनी पड़ेगी, प्रोटीन की दोस्तों आपको डाइट लेनी पड़ेगी जिससे कि दोस्तों आपके बाल काले होंगे और दोस्तों आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों अब आपको इसके अंदर सेकंड चीज जो लेनी है एक क्लीन बाउल, उसके अंदर आपको दोस्तों इस सभी चीजों को अच्छी तरीके से डाल लेनी है। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इसके अंदर ये सारा चीज डाल लेना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार सारी चीज निकाल लेने के बाद दोस्तों अब आपको इसके अंदर चीज जो डालनी है वो है दोस्तों पानी। तो दोस्तों अब हमें इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। देखिए दोस्तों मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूं। देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये पानी ऐड कर लिया। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से इसको पानी के अंदर घोल लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख रहेंगे हमारा ये नुस्खा लगभग बनकर कर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस नुस्खे को लगाने की विधि, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको करना क्या है, नहाने से आधे घंटे पहले आपको इस नुस्खे को लेना है और अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से भिगा के रख लेना है और दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने से दोस्तों ये होगा ये आपके बालों के अंदर अच्छी तरह समा पाएगा और दोस्तों आपके बाल को काला करने में सक्षम रहेगा। कुछ इस प्रकार से कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसे आधे घंटे बाद वॉश कर लेना है पानी से। दोस्तों आधे घंटे धो लेने के साथ ही दोस्तों आप देखेंगे आपके सफेद बाल जड़ से काले होने लगे और दोस्तों आपके बालों की प्रॉब्लम सारी खत्म होने, जैसे कि दोस्तों बालों का टूटना, झड़ना और दोस्तों सफेद होना।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों यदि आपका कोई फैमिली फ्रेंड्स या मेंबर इस परेशानी से जूझ रहा हो तो दोस्तों उन भाइयों के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कीजिए ताकि दोस्तों महंगे महंगे एक्सपेंसिव खर्चे से बच सकें। धन्यवाद।